अगर आपको TS7 में फ़ोन लिंक कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, या तो एंड्रॉयड हो या तो आपका एप्पल हो। मेरे पास एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड में आपको एक तो सबसे पहले आपको फ़ोन लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका एक ये QR कोड है, QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद वो एप्लीकेशन ये आएगी आपकी, जो फ़ोन मेरे फ़ोन में है, ये TIAVN करके। इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एरो बना हुआ आ रहा है कंटिन्यू का। इसको ओपन करना है मेरे को, तो ये मेरे को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है और ओपन भी हो चुका है। आप मेरे को करना क्या है, एंड्रॉयड वाईफाई ओपन करना है, और मेरे को अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट भी ऑन करना है। उसके बाद मेरे को सिस्टम में वाईफाई ओपन करना है, और ये वाईफाई कनेक्ट करना है यहाँ से 1 2। तो ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन से, और फिर से मेरे को और फ़ोन लिंक ओपन करना है। और ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन टिक हो गया है क्योंकि हॉटस्पॉट मेरा कनेक्ट हो चुका है। देन सेकेंड कह रहा है कि ओपन टीम ऐप है, तो जैसे मैं इसको तो ये मेरा फ़ोन लिंक डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे ही डाउनलोड होता है तो ये मेरा QR कोड जो यहाँ पे QR कोड एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टिक हुआ पड़ा है वैसे यहाँ पे भी टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन अब डाउनलोड हो चुका है, तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। सेटिंग में आपके परमिशन मांगे तो परमिशन आप अलाउ कर देना, अगर नॉट अलाउ करोगे तो ये आपकी प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो बफरिंग कर रहा है तो यहाँ पे अभी टिक का ऑप्शन आ जाएगा। ये मेरा टिक का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया स्टार्ट नाउ का। तो जैसे मैं स्टार्ट नाउ करता हूँ तो ये मेरा मेरा लिंक हो गया है। देखो, इसमें आप अगर वीडियो चलाओगे तो वीडियो भी आपका प्ले हो जाएगा।